गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे फुल सिलेबस डीसीएम मेजर 2 के बारे में। उसमें 40 क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड हैं और इन क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कुछ इस तरीके से करूंगा कि आपको पता लगना चाहिए कि हमारी सिली मिस्टेक्स होने का डर कहां कहां पर रहता है, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक रफ आइडिया मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, जरा देखें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 91, सेलेक्ट द आयन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस डिफरेंट टाइप के कौन कौन से हैं। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज एक टाइप है, दूसरा टाइप है आयन रिलीजिंग आयोडीज और तीसरा टाइप है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का एग्जाम्पल है LNG20, लेवेनोजेस्ट्रोल और प्रोजेस्टेरोन। आयन रिलीजिंग आयोडी का एग्जाम्पल है मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7। और नॉन मेडिकेटेड आयोडी का एग्जाम्पल है लिपिड लूप। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखिए, आयन रिलीजिंग आयोडीज, तो प्रोजेस्टेरोन LNG20 ये तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। लिपे लूप नॉन मेडिकेटेड है, मल्टीलोड 375 आयन रिलीजिंग है, लेकिन दोनों पेयर के फॉर्म में क्या होना चाहिए, आयन रिलीजिंग आयोडीज। वॉल्ट एक बैरियर की तरह काम करता है, LNG20 एक हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, मल्टीलोड 375 और कॉपर टी ये आयन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का एग्जांपल है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4। ए जीन लोकस हैज टू एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज 0.7, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी, हार्डी विनबर्ग लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। हार्डी विनबर्ग लॉ क्या कहता है, कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, या कैपिटल ए प्लस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए की वैल्यू दे रखी है 0.7, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.3। अब स्मॉल ए की वैल्यू 0.3 आई है, तो अब जरा सोच के देखें होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल ए तो स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए 0.3 इंटू 0.3 कितना हो गया, 0.09। यहां देखिए बेटा, कौन से ऑप्शन में 0.09 दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। हेट्रोजाइगस की निकालनी है तो क्या आएगा, 2 कैपिटल ए स्मॉल ए 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 0.42, और कैपिटल ए तो कैपिटल ए दे रखा है 0.7 इंटू 0.7 0.49, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल, एनसीईआरटी में दे रखा है, कुछ ऐसी डिजीज है जो कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, जेनाइटल हर्पिस है, ये कंप्लीटली क्योरेबल डिसऑर्डर्स नहीं है। आपसे क्या पूछा है, कंप्लीटली क्योरेबल, तो जेनाइटल वार्ट्स जो है ये कंप्लीटली क्योरेबल डिसऑर्डर है। क्लियर है मेरी बात। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एड्स। पॉजिटिव एजेंट ऑफ एड्स क्या है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस HIV, इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो थर्ड और फोर्थ में करेक्ट कौन सा है ये देखना है। एलाइजा टेस्ट, दिस इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेकिन आपसे क्या पूछा है, कंफर्मेटरी टेस्ट। एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट तो एलाइजा है, बट कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट और वेस्टर्न टेस्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यदि कंफर्मेटरी की जगह पर डायग्नोस्टिक देता तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता।
साल्मोनेला टाइफी और विडाल ये किसके लिए है? यदि आपसे टाइफॉइड के लिए पूछा जाता कि टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी और विडाल उसका टेस्ट है। ड्रग कॉल्ड स्मैक इज सिंथेसाइज्ड बाय ग्लाइकोलेशन ऑफ मॉर्फिन, नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन, मेथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। डाई एसिटाइलेशन फॉर्मेशन है मॉर्फिन का, तो स्मैक इज द डाई एसिटाइलेशन फॉर्म ऑफ मॉर्फिन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सेलेक्शन। ये स्टेटमेंट तो एनसीईआरटी का है, करेक्ट। इनब्रीडिंग हेल्प्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। इनब्रीडिंग डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, नो, इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, इट मींस थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। इनब्रीडिंग इज इसेंशियल टू इवोल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो थर्ड स्टेटमेंट में ये इंक्रीजेज होना चाहिए था, यहां पर डिक्रीजेज दे रखा है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। मैच द होमिनिड विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, होमो हैबिलिस, होमो नियंडरथैलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ब्रेन साइज को क्रेनियल कैपेसिटी से डिफाइन किया गया, 900, 1350, 750, 1300 टू 1600 क्रेनियल कैपेसिटी। ए बी सी डी में मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी किसकी होगी, होमो नियंडरथैलिस की। इसका मतलब बी का मैच किससे होना चाहिए, फोर से। बी का मैच फोर से कहां पर है, केवल एक ही ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। होमो हैबिलिस 750, होमो इरेक्टस 900 और होमो सेपियंस 1350। इसका मतलब डी का मैच सेकंड से, डी का मैच सेकंड से यहां पर, सी का मैच फर्स्ट से यहां पर, तो मैं कह सकता हूं फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या है बेटा, करेक्ट। कोलेस्ट्रम द येलोविश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी इसेंशियल टू इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कॉन्टेन। कोलेस्ट्रम की बात कर रहा है, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज, इसका मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म होते ही उसे मिल्क चाहिए, मदर से जो मिल्क आएगा, मदर का मिल्क जो है अर्लियर डेज का बहुत इसेंशियल क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देगा, डायरेक्टली एंटीबॉडी देगा, और वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, सीक्रेटरी एंटीबॉडी IgA, और IgA हमेशा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, IgM पेंटामर में एग्जिस्ट करती है, IgG, IgE और IgD ये मोनोमर में एग्जिस्ट करती हैं, तो IgA जो है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा होगी और IgA डाइमर एंटीबॉडी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड। इन एंटीराइनम स्नैपड्रैगन ए रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए व्हाइट फ्लावर एंड इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर ऑब्टेंड व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ्ड द F2 जनरेशन शोज व्हाइट रेड एंड पिंक फ्लावर, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आप। तो स्नैपड्रैगन जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, जिसे हम पार्शियल डोमिनेंस बोलते हैं। तो रेड का व्हाइट से क्रॉस करना और पिंक बनाना, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। हमें यहां पर इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिख रखा है, पिंक कलर इज F1 इज ड्यू टू कंप्लीट डोमिनेंस, यही रॉन्ग हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस प्रिंसिपल डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को शो नहीं करता, इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस को शो करता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा ही होगा। रेशियो इन F2 1/4, 2/4, 1/4, ये रेड होगा, ये पिंक होगा, ये व्हाइट होगा, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो इक्वल आता है, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो पिंक फ्लावर बन रहा है
वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस की वजह से बनता है, लेकिन यहां पर कैसे हो किया कंप्लीट डोमिनेंस, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, फोर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एग रेदर देन स्पर्म। आपको पता है बर्ड्स की बात कर रहा है, तो बर्ड्स में कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड होता है, जेड 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 डब्ल्यू, जिसमें जेड जेड क्या है यहां पर मेल और जेड डब्ल्यू क्या है फीमेल, तो फीमेल ही डिसाइड करेगा क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमेटिक है। ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ दियर सेक्स क्रोमोजोम मच शॉर्टर देन द अदर। एक्स क्रोमोजोम लार्जर होता है, वाई क्रोमोजोम शॉर्टर होता है, ये भी क्या है करेक्ट है। मेल फ्रूट फ्लाई इज होमोगेमेटिक। मेल फ्रूट फ्लाई एक्स वाई है, होमोगेमेटिक नहीं है बेटा, हेट्रोगेमेटिक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट। इन मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नॉन सेक्स क्रोमोजोम। यदि ग्रास ओपर की बात की जाए तो इसमें एक्स 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 जीरो मेथड्स प्रेजेंट होता है। एक्स एक्स तो क्या है फीमेल, एक्स जीरो क्या हो गया मेल, तो 50% स्पर्म के पास में एक्स क्रोमोजोम नहीं होगा, यह भी करेक्ट है। आपको इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास ओपर, अभी बताया इंसेक्ट के अंदर, ग्रास ओपर एक इंसेक्ट है, एक्स 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 जीरो मेथड सेक्स डिटर्मिनेशन का। टीएच मॉर्गन ने लिंकेज, टीएच मॉर्गन ने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। एबीओ ब्लड ग्रुप में एबी सिस्टम कोडोमिनेंस को शो करता है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है, तो रॉन्गली मैच कौन सा हो गया, फोर्थ। स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट मल्टीपल एलील का एग्जांपल नहीं है, मल्टीपल एलील का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। स्टार सिंथेसिस इन पी, उसके अंदर कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों को शो किया जाता है, क्योंकि हमें सीड की शेप भी और सीड का साइज भी दोनों वहां पर डिटरमाइन होता है, और दोनों का डिटरमिनेशन हो रहा है, इसका मतलब एक सिंगल जीन के मल्टीपल इफेक्ट है। तो स्टार सिंथेसिस इन पी इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी, नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। तो रॉन्गली मैच कौन सा है, फोर। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ग्लाइकोसूरिया, गाउट, रीनल कैलकुली, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। कॉलम को मैच करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए ग्लाइकोसूरिया क्या है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो ए का मैच करवाना है फोर से, ए का मैच फोर कौन से पर हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। गाउट, गाउट का मीनिंग है यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में। रीनल कैलकुली, साल्ट, क्रिस्टलाइज साल्ट जो है, मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन द किडनी, जिसे हम बोल रहे रीनल कैलकुली या स्टोन या पथरी। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर रीजन, नेफ्रोन का जो ग्लोमेरुलर रीजन है उसमें सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसका मतलब डी का मैच थ्री से, सी का मैच टू से, बी का मैच वन से और ए का मैच फोर से, इस तरीके का मैच सेकंड ऑप्शन में। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड। मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कुछ फंक्शन दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप है। कहां पर पॉसिबल होगी, रीनल कार्पसल्स या मेल्पीजियन बॉडी के अंदर। और इसके अंदर कार्पसल्स के अंदर कौन आता है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। इसका मतलब ए का मैच फोर से करवाएंगे, ए का मैच फोर से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो रॉन्ग हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेशन करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करती है, जिसमें लूप ऑफ हेनले और वासर एक्टा का इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका मतलब बी का मैच वन से कराएंगे, बी का मैच वन से कराएंगे, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, यूरेटर। स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन को स्टोर कौन करेगा, टेम्पोररी स्टोरेज कौन करता है, यूरिनरी ब्लेडर। तो इसका मतलब डी का मैच थर्ड से, डी का मैच थर्ड से हो गया, सी का मैच टू से हो गया, बी का मैच वन से हो गया, ए का मैच फोर से हो गया, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड।
Which of the following characteristic represent inheritance of blood group in human? ABO blood group system में A and B, A और B, ये किसके example है? Complete dominance के. AB co-dominance का और O recessiveness का. ABO complete system multiple allele को शो करता है, तो हम ये कह सकते हैं A dominance को भी शो करता है, B भी डोमिनेंस को शो करता है और ए बी को डोमिनेंस को शो करता है और ए बी ओ कंप्लीट मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, तो ए बी और सी ये तो करेक्ट हो गए. इनकंप्लीट डोमिनेंस रॉन्ग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस रॉन्ग, इनकंप्लीट डोमिनेंस को शो नहीं करता है. और यहां पर पॉलीजेनिक इस करेक्टर को डिफाइन करने के लिए मोर देन वन जीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इसका मतलब डी और ई रॉन्ग हो गया, जहां पर भी ई है वो रॉन्ग है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट. अभी तक आपने देखा जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं किसी में भी मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं है. यदि इंफॉर्मेशन करेक्ट है और आपकी डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने की सही है तो इजी वेसी क्वेश्चन बन जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट में कौन है? वर्टिब्रेट ग्रुप को देखेंगे तो उसके अंदर फिशेज भी हैं, उसके अंदर एम्फीबियन भी हैं, उसके अंदर रेप्टाइल्स भी हैं, उसके अंदर बर्ड्स भी हैं, उसके अंदर मैमल्स भी हैं. इन सबको कंपेयर करें और इनके फोरलिम्स देखें तो सबके फोरलिम्स के फंक्शन अलग अलग हैं, बट इनकी फोरलिम्स की ओरिजिन सेम है. और जिनकी ओरिजिन सेम हो और फंक्शन सिमिलर या डिफरेंट हो सकते हैं तो ये होमोलोगस ऑर्गन को शो करते हैं. तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ. और होमोलोगस ऑर्गन क्या करते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं. कहीं पर भी डाइवर्जेंट शो नहीं कर रखा. कन्वर्जेंट तो रॉन्ग हो गया, एनालॉगी रॉन्ग हो गया, एडेप्टिव रेडिएशन रॉन्ग हो गया, होमोलोगी इज द करेक्ट आंसर. इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेज पैथोजन कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल. यदि मैं बात करूं आपके सामने कि ये किस डिसऑर्डर की बात कर रहा है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल मींस लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक करता है. लिम्फ वेसल्स को कौन ब्लॉक कर रहा है? वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी. और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के लिए वेक्टर की तरह कौन काम करेगा? मॉस्किटो. और ये मॉस्किटो जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो हमारी बॉडी में आकर लोअर लिम्स की और गोनेडल रीजन के लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है, सूजन आ जाती है और लोअर लिम्स का साइज जिस तरीके से हाथी का पैर होता है उस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाता है. गोनेड्स में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है जिसकी वजह से स्क्रोटल सैक साइज में बड़े हो जाते हैं. एलिफेंट के लेग जैसी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? एलिफेंटियसिस. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. मॉथ है, मॉथ बटरफ्लाई की तरह लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी. स्टारफिश, यहां पर भी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होंगी. ट्यूनिकेट्स या यूरोकोडेट्स, उनके अंदर भी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी. बट अर्थवर्म के अंदर लार्वल फॉर्म नहीं है, तो जिसके अंदर लार्वल फॉर्म नहीं है मेटामॉर्फोसिस को शो नहीं करेगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? अर्थवर्म. इसका मतलब मॉथ, ट्यूनिकेट और स्टारफिश, इन सब के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है बट अर्थवर्म के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट. विच वन ऑफ द एनिमल इज नॉट होम्योथम? होम्योथम, होम्योथम इज वार्म ब्लडेड बट नॉट होम्योथम. इट मीन्स कोल्ड ब्लडेड की बात कर रहा है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथम एंड वार्म ब्लडेड एनिमल ऑल्सो नोन एज होम्योथम्स. वार्म इज आर्म, आर्म मीन्स एविज एंड मेमल्स, एविज एंड मेमल्स. तो कैमेलस, कैमल एक मेमल्स है. सीटेकुला पैरट एक एविज है या बर्ड्स है. मैक्रोपस एक मेमल्स है. लेकिन किलोन, किलोन मीन्स टर्टल, ये रेप्टाइल्स है. रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं. तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वार्म ब्लडेड है और वार्म ब्लडेड को ही बोलते हैं होम्योथम बट नॉट होम्योथम. इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड. किलोन एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, रेप्टिलिया का मेंबर.
Which of the following feature is used to identify a male cockroach from female cockroach? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हम मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं. मेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा जो एक्स्ट्रा है, फीमेल के अंदर नहीं हो, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो बेटा जी, कॉकरोच के अंदर यदि देखा जाए तो मेल कॉकरोच के अंदर एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल एक्स्ट्रा होते हैं, जिससे हम फीमेल को इजी वे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एक दूसरी स्ट्रक्चर है एनल सरसाई, वो मेल में भी होगी फीमेल में भी होगी, बट कोडल स्टाइल और एनल स्टाइल फीमेल के अंदर नहीं होंगे. तो मैं कह सकता हूं प्रेजेंस ऑफ कोडल एंड एनल स्टाइल ये मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से डिफरेंट करते. 110 आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप. आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. क्रॉप एंड गिजार्ड कॉकरोच के अंदर भी प्रेजेंट होता है और बर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन क्या पूछा, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप. क्या पूछा है, वर्टिब्रेट. तो क्या कॉकरोच वर्टिब्रेट का मेंबर है क्या, इसलिए रॉन्ग हो गया. एवीज इज द करेक्ट आंसर. बर्ड्स के अंदर एडिशनल चैम्बर होते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड. हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. फोर ऑप्शन दिए गए. प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है. ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करेगी लेकिन हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करेगी. तो थर्ड और फोर्थ तो रॉन्ग हो गया. ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एड्रिनल कोर्टेक्स का पार्ट है, इसका मतलब सेकंड भी रॉन्ग हो गया. तो हार्मोन जो प्लेसेंटा से कौन कौन से रिलीज होंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट. द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली ये एक नॉन स्टीरोइड ड्रग है. नॉन स्टीरोइड ड्रग वंस ए वीक, एक वीक में एक बार ली जाती है. कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी डेवलप ना हो जाए, उससे पहले ली जाएगी, प्रेगनेंसी को क्या करेगा, डेवलप नहीं होने देगा. रियली में क्या करता है ये सहेली जो है वंस ए वीक, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने ये बनाई और ये यूट्रस के अंदर जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है. ब्लॉक कर देगी तो मैं कह सकता हूं एग्स जो स्पर्म से फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद में, जाइगोट बनने के 7 दिन बाद उसका इंप्लांटेशन होगा, तो इस इंप्लांटेशन को क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी. तो मैं कह सकता हूं सहेली इज ए इंट्रायूटराइन डिवाइसेज. नो, इंट्रायूटराइन डिवाइसेज नहीं है, एक पिल सही. पोस्ट कोइटस, नो, प्री कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है. इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल. नो, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड. इम्प्लांटेशन को क्या कर देगा, प्रिवेंट कर. द एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एमनियन और कोरियोन, योक्सेक एंड एलेंटोइस, ये चार है. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योक्सेक और एलेंटोइस की बात करता है तो उसकी ओरिजिन होगी मेजो और एंडोडर्म से, और कोरियोन और एमनियन की बात करता है तो उसकी ओरिजिन होगी एक्टो और मेजो से. तो एक्टो और मेजो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है. फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट. द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटिलियोसिस. नॉन मोटाइल का मोटाइल में कन्वर्जन, इसका मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो स्पर्मियोजेनेसिस है. और स्पर्मिएशन क्या है, सर्टोली सेल्स जो कहां पर प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, तो उस सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना. तो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन. स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोवा फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज, रॉन्ग हो गया. सेकेंड ऑप्शन इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, सही है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन हो गया. वाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल. सेकंड ऑप्शन क्या है यहां पर, करेक्ट है. क्लियर है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए स्पर्मियोजेनेसिस क्या है और स्पर्मिएशन क्या है. इसी की जगह आपसे पूछ सकता है इनसेमिनेशन क्या है, इसी स्पर्म का फीमेल वेजाइना के अंदर ट्रांसफर होना, यह इनसेमिनेशन है. क्लियर.
विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक? हीरोइन है, स्मैक है, या ब्राउन शुगर जिसे बोलते हैं? ये पॉपी पेपेवर सोमनीफॉर्म के लेटेक्स पार्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका? थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन द एरिथ्रोपोइसिस? तो आपको गैस्ट्रिक सेल्स पता होने चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल, जो क्या रिलीज करेंगी? HCL एंड इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर। चीफ पेप्टिक और जाइमोजन, ये क्या रिलीज करेंगे? पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। जी सेल क्या रिलीज करेंगे? गैस्ट्रिन हार्मोन। और म्यूकस नेक सेल या सरफेस जो सेल होती है वो म्यूकस को रिलीज करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस में, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब आरबीसी का सेल का फॉर्मेशन होना, मैचुरेशन होना, आरबीसी का फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए फोलिक एसिड, विटामिन B12 इनकी रिक्वायरमेंट होती है। पैराइटल एंड ऑक्सिनेटिक सेल क्या रिलीज कर रही है? HCL एंड इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर। इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर का रोल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसका मतलब पैराइटल और ऑक्सिनेटिक सेल इनडायरेक्टली एरिथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व है, क्योंकि म्यूकस सेल क्या रिलीज कर रही है? म्यूकस। गोबलेट सेल म्यूकस, चीप सेल गैस्ट्रिक लाइपेज एंड पेप्सिनोजन, और ऑक्सिनेटिक सेल HCL एंड इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। देखो फाइब्रिनोजन का रोल क्या है? फाइब्रिनोजन का रोल है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। तो मैं कह सकता हूं ए का मैच सेकंड से, ए का मैच सेकंड से कहां पर है? सेकंड। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ग्लोबुलिन और एल्बुलिन, ग्लोबुलिन डिफरेंट टाइप की है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन का रोल क्या है? डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी फॉर्मेशन। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इसका मतलब ये ग्लोबुलिन किस में हेल्प करेगा? हमारे इम्यून पावर को स्ट्रोंग करने में, मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म। तो बी का मैच थर्ड से। एल्बुमिन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, BCOP मीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। तो सी का मैच वन से, ए का मैच टू से और बी का मैच थ्री से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा जी? सेकेंड। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इज, मसल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होगा तो आपको पता है एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड करने चाहिए, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब कैल्शियम आयन आएगा। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स नॉर्मल फॉर्म में जुड़ेगा नहीं, नॉर्मल फॉर्म में बाइंड नहीं करेगा, तो कैल्शियम आएगा। कैल्शियम ने क्या किया ऐसा? कैल्शियम क्या करेगा? तो आपको एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एक्टिन के अंदर क्या है? जी एक्टिन और एफ एक्टिन प्लस ट्रोपोनिन प्लस ट्रोपोमायोसिन। और मायोसिन में क्या है? टेल रीजन और हेड रीजन, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। मायोसिन के हेड रीजन पर ATP बाइंडिंग साइट भी और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी, लेकिन मायोसिन बाइंडिंग साइट कहां पर है? एक्टिन के ऊपर, जो जी एक्टिन और एफ एक्टिन की फॉर्म है उसके ऊपर। उसको ब्लॉक करके कौन रखता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की तीन यूनिट है, TPC, TPI और TPT। TPC जो है उससे कैल्शियम आकर बाइंड करता है। जैसे कैल्शियम आकर बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन में स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे और ये ट्रोपोनिन वहां से साइड हो जाएगा। कैसे साइड होगा? जो मायोसिन की एक्टिव साइट है उसको एक्सपोज कर देगा। तो कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल कैसे है? कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। मायोसिन जो एक्टिन पर बाइंड करेगा, मीन्स मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको एक्सपोज करने का काम कौन करेगा? ये कैल्शियम। इसका मतलब एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तभी होगा जब कैल्शियम किस पे बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन की TPC यूनिट से। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में देखो, डिटेच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन, रॉन्ग। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड द एक्टिन फिलामेंट, रॉन्ग। एक्टिवेट द मायोसिन ATPase बाय बाइंडिंग इट,
मायोसिन की एटीपीज एक्टिविटी को तो मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है ना कि कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ओआरडी। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइंस में या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनका काम करना एक्सपोजर है डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल सिलिका के भी हो सकते हैं, एस्बेस्टोस के भी हो सकते हैं। सिलिका का डस्ट पार्टिकल यदि बॉडी में लॉन्ग टाइम तक डिपॉजिट होता चला जाए तो वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डेवलप करेगा। तो सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ओआरडी। बोटुलिज्म, एम्फाइसेमा, एंथ्रेसिस एंड एस्बेस्टोसिस, करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। विच ऑफ द फॉलोज इज एन एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, देखो बेटा, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन टायरोसिन डेरिवेटिव हार्मोन, सीरोटोनिन और मिलोटोनिन ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव हार्मोन। तो आप देख सकते हैं यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन दे रखा है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन टायरोसिन डेरिवेटिव है, इसका मतलब एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शन। हमें इनकरेक्टली मैच करवाना। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। आपको पता है हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, और इसी हाइपोथैलेमस के पास टेम्परेचर रेगुलेशन का भी सेंटर है, हंगर सेंटर भी है और थ्रस्ट सेंटर भी है। इसका मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है। कार्पस कैलोसम बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसका मतलब सेकेंड भी करेक्ट है। और इस कार्पस कैलोसम का दो पार्ट है, जेनु एंड स्प्लेनियम। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल द मूवमेंट्स। क्या लिम्बिक सिस्टम मूवमेंट को कंट्रोल करेगा? नो। लिम्बिक सिस्टम में तो एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस पार्ट आते हैं। एमिगडाला एंगर और रेज से रिलेटेड है और हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब थर्ड क्या है? इनकरेक्ट। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये भी क्या है? करेक्ट। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये फंक्शन दे रखे हैं, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जो बोन है बिकम मोर फ्रेगाइल टू ब्रेक, उसका जो बोन मास है वो डिक्रीज हो गया। बोन मास डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? या तो फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया, या पैराथार्मोन में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि यहां पर बोन से रिलेटेड जो हार्मोन है पैराथायरॉइड हार्मोन मींस पीटीएच और एस्ट्रोजन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है यहां पर? करेक्ट। दैट ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय, जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपेरेंट जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है वो एक साइड में सस्पेंसरी लिगामेंट और दूसरी साइड में सीलियरी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, उनसे एक स्पेसिफिक पोजिशन पर डिफाइंड होता है। तो मैं कह सकता हूँ स्मूथ मसल्स अटैच टू द आयरिस, रोंग। स्मूथ मसल्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी, रोंग। लिगामेंट्स अटैच टू द आयरिस, रोंग। लिगामेंट्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी, एक साइड में सस्पेंसरी लिगामेंट दूसरी साइड में सीलियरी बॉडी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहला पॉइंट अस्थमा के बारे में बताना है, दूसरा एम्फाइसेमा। अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है और एम्फाइसेमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो लॉन्ग टाइम तक सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर डेवलप हो। तो एम्फाइसेमा में रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो देखिए बेटा यहां पर लिख रखा है रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इंक्रीज, रॉन्ग हो गया। डिक्रीज इन द रेस्पिरेटरी सरफेस। और अस्थमा में क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन है तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, क्योंकि इसके अंदर विजिंग आउट ए साउंड, घरघराहट की साउंड सुनाई देती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंक्यूल, ये इसके करेक्टर है। तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। डिक्रीज
रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, अस्थमा का फीचर नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अस्थमा इन्फ्लेमेशन, और मैं कह सकता हूं यहां पर डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ये एम्फाइसेमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, ट्राइकस्पिड, मिट्रल एंड सेमिलन। ट्राइकस्पिड वाल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, मिट्रल वाल बाई कस्पिड वाल को ही क्या बोल रहे हैं यहां पर, मिट्रल वाल मींस लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका मतलब बी का मैच वन से, और राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल इसका मतलब ए का मैच थ्री से, ए का मैच थ्री से, बी का मैच वन से। सेमी लूनर वाल कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये जंक्शन पॉइंट है राइट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी से या लेफ्ट वेंट्रिकल का अरोटा से, उस जंक्शन पर होंगे। तो सी का मैच हम सेकंड से कर सकते हैं, तो ए का मैच थर्ड से, ए का मैच थर्ड से, बी का मैच फर्स्ट से और सी का मैच सेकंड से, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा जी, फोर्थ। मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन द कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है पहले तो ये देखें, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 2500 to 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200। तो 1100 to 1200 सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब डी का मैच सेकंड से करवाना है, डी का मैच सेकंड से केवल थर्ड ऑप्शन में मैच करवाना, यही करेक्ट आंसर होगा। निसेल्स बॉडी आर मेनली कंपोज ऑफ, निसेल्स बॉडीज या टिग्रेड बॉडी जो है कहां पर प्रेजेंट होती है, डेंड्राइट एंड साइटोन पार्ट में, लेकिन एक्जोन पार्ट में नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब इसके पास फ्री राइबोसोमल पार्ट भी होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सेकंड। फर्स्ट रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया एंड फोर्थ भी रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेंटिशन, ह्यूमन डेंटिशन, ह्यूमन बॉडी के अंदर डेंटिशन, डेंटिशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ। अब ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट सेट ऑफ टीथ और परमानेंट सेट ऑफ टीथ, फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को बोलते हैं मिल्की टीथ और परमानेंट 18 साल के बाद में आएंगे। 5 साल तक के बच्चे के अंदर मिल्की टीथ आएंगे, तो इसका मतलब मिल्की टीथ का रिप्लेसमेंट परमानेंट टीथ करेंगे। इसका मतलब कुछ टीथ ऐसे हैं जो दो बार आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, इसका मतलब डाइफाइडोंट कंडीशन, इसका मतलब आपको डाइफाइडोंट देखना है। फर्स्ट में मोनोफाइडोंट दे रखा है तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे रॉन्ग होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ में डाइफाइडोंट है, ऑप्शन हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ में। हमारे जो टीथ हैं डीपली एम्बेडेड हैं जो सॉकेट के अंदर, इसका मतलब थीकोडोंट, थीकोडोंट कंडीशन, इसका मतलब हमें क्या देखना है थीकोडोंट, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग हो गया, अब आंसर थर्ड और फोर्थ में। हमारे पास इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 different टाइप के टीथ है, इसका मतलब हेटेरोडोंट कंडीशन है। तो हम देखें फोर्थ ऑप्शन में होमोडोंट दे रखा है, इसका मतलब अब थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ह्यूमन के अंदर थीकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेटेरोडोंट कंडीशन प्रेजेंट होती। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट में प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज, मेस्ट्रुअल फेज। प्रोलिफरेटिव फेज कब होगी, इसका मतलब फॉलिकुलर फेज की बात कर रहा है, फॉलिकल डेवलप हो रही। सीक्रेटरी फेज कब होगी, इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब 5 से लेकर 13 days तक प्रोलिफरेटिव, 14 से लेकर 28 days तक सीक्रेटरी, मेस्ट्रुअल मीन्स 1 से लेकर 5 days तक। तो मैं कह सकता हूं मेस्ट्रुअल पार्ट में क्या होगा, एंडोमेट्रियम रप्चर होकर बाहर आएगी, उसके साथ सेकेंडरी ओसाइट जो डैमेज हो चुकी है वो भी बाहर आएगी, साथ में ब्लड की अमाउंट भी आएगी। इसका मतलब मेस्ट्रुअल में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, सी का मैच वन से। प्रोलिफरेटिव, इसका मतलब फॉलिकल डेवलप हो रही है, ए का मैच सेकेंड से। और सीक्रेटरी, इसका मतलब कार्पस ल्यूटियम वाला पार्ट,
मीन्स ल्यूटियल फेज, तो बी का मैच थर्ड से, बी का मैच थर्ड से करवाना, ए का मैच सेकंड से, ए का मैच सेकंड से कहां पर करवा रखा है, फर्स्ट ही, इसका मतलब आप मैच करवा सकते हैं, करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ए वोमेन हैज एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोजोम, दिस क्रोमोजोम कैन इरेडिटेड बाई, आप एक्स क्रोमोजोम की इनहेरिटेंस देखेंगे तो एक्स जो क्रोमोजोम है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है, मीन्स एक्स पर कोई भी जीन होगी तो एक्स मेल के अंदर भी है, फीमेल के अंदर भी, तो मदर से वो एक्स लड़के में भी आ सकता है और लड़की में भी जा सकता है, इसका मतलब बोथ सन एंड डॉटर के अंदर वो जीन इनहेरिटेड हो सकती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? थैंक यू सो मच। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। पेपर को किस तरीके से सॉल्व किया गया है आपने देखा, मैंने कहीं भी पेन नहीं चलाया। यदि आपको इंफॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप इजी वे से क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमें ऑप्शन ढूंढना नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि इससे रिलेटेड ऑप्शन क्या होना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन बनेगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।